सब्सक्राइब बटन को दबा दें और घंटे की आकार के बेल घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। सामने हमारे सूर्य ग्रहण पड़ रहा है और साथ ही साथ गुप्त नवरात्रि भी प्रारंभ हो रही है, तो काफ़ी दर्शकों और शिष्यों की ये मांग थी कि इस संबंध में जो भी दिशा निर्देश हों और जानकारी हो वह सब कुछ हमें बताया जाए। तो आज का वीडियो इसी सूर्य ग्रहण और साथ ही साथ गुप्त नवरात्रि के संबंध में है। सबसे पहले हम लोग 21 जून को लग रहे सूर्य ग्रहण के बारे में बात कर लेते हैं। 21 जून के दिन 2020 के समय में सूर्य ग्रहण इस बार लग रहा है। सूर्य ग्रहण सुबह करीब 10:33 से शुरू हो जाएगा और अपराहन दोपहर बाद 2:04 तक ये चलेगा। सूर्य ग्रहण का मध्यकाल दोपहर के लगभग 12:18 के समय में होगा। इससे पहले शनिवार को लगभग 20 जून की रात के समय 10:30 के करीब से ही सुतक काल प्रारंभ हो जाएगा। ये वाला जो सूर्य ग्रहण लग रहा है ये पूर्ण सूर्य ग्रहण कहलाएगा, क्योंकि इसमें सूर्य के किनारे का गोलाकार भाग ही दिखाई देगा, जिसको हम रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जानते हैं। इसी कारण दिन में अंधेरा सा छा जाएगा। सूर्य ग्रहण के बारे में हम पहले से जानते हैं कि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में, यानी कि सूर्य और इन तीनों का जो आपस का संबंध है, इसी के कारण सूर्य ग्रहण होता है। जब किसी कारण से सूरज और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा का जो सामने पड़ जाने की वजह से प्रकाश पृथ्वी पर नहीं गिर पाता। इसी कारण से चंद्रदेव की शक्तियों के कारण पृथ्वी पर ज्वार भाटा जैसी चीजें होती हैं। ज्वार भाटा चीजें होने के कारण जो पृथ्वी की धरातल के अंदर की भी जो चीजें हैं वो भी ऊपर उठती हैं और नीचे जाती हैं, फिर ऊपर आती हैं, नीचे जाती हैं। अगर आप साधना के क्षेत्र से इसको लेकर के देखते हैं तो इसका संबंध स्पष्ट रूप से मैं आपको ये बताता हूँ कि इस दौरान की गई साधनाएं, उपासनाएं, तांत्रिक प्रयोग और विभिन्न प्रकार की जो साधनाएं हों वो अन्य साधनाओं से 10 गुना अधिक फल दे देती हैं। इसी कारण से तांत्रिक और अन्य साधक लोग इस अवसर की प्रतीक्षा में रहते हैं कि कब सूर्य ग्रहण अथवा चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो मन का कारक भी होता है और इसी कारण से आपके मन की उथल पुथल के साथ साथ संसार में जो भी दिव्य शक्तियां हैं उनके मन में भी उथल पुथल होती है, शक्तियां इधर उधर आती जाती हैं। जैसे कि ज्वार भाटे में आप जानते हैं कि समुद्र का जल ऊपर की ओर खींचता है जिससे ज्वार आता है, और नीचे की ओर जाता है तो भाटा होता है। इसी कारण से प्रत्येक के मन में भी ऐसा ही होता है और शक्तियों के साथ भी ऐसा ही होता है। तो पाताल लोक से नीचे जो विद्यमान शक्तियां हैं, चाहे आसुरी शक्तियां हों या ऊपर देवलोक की शक्तियां या बीच की बहुत सारी शक्तियां जिसे हम यक्ष लोक कहते हैं, पितृलोक कहते हैं, गंधर्व लोक कहते हैं, अप्सराओं के लोक है, स्वर्ग लोक की बहुत सारी शक्तियां, वो सब की सब इस वक्त ऊपर नीचे होती हैं। इसी कारण से साधना के क्षेत्र में जब मंत्र का जाप किया जाता है तो उसका प्रभाव उन शक्तियों पर अधिक पड़ता है, उन तक आपकी समझ और सामर्थ्य बहुत ही आसानी से हो जाती है। ऐसा होने के कारण शक्तियां जल्दी सिद्ध हो जाती हैं। इसी कारण से तांत्रिक लोग इंतजार करते हैं कि कब सूर्य ग्रहण पड़ रहा है अथवा चंद्र ग्रहण हो रहा है। यहाँ पर भी इसी कारण से अगर आप कोई साधना उपासना करते हैं तो उसका 10 गुना अधिक फल आपको प्राप्त होता है। यह नहीं है कि आपको सिद्धि मिल ही जाएगी, लेकिन 10 गुना अधिक तप ऊर्जा आपके अंदर बढ़ जाती है और सिद्धि के 10 गुना चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए इस वक्त साधना अवश्य ही करनी चाहिए। तो कौन सी साधना करें उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपने गुरु मंत्र लिया हुआ है तो गुरु मंत्र से सर्वोत्तम साधना इस दौरान कोई नहीं है, क्योंकि इससे आपका परलोक और इहलोक दोनों के दोनों ही प्राप्त होते हैं और सिद्धि की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। लेकिन कुछ लोग इस दौरान तांत्रिक प्रयोगों को भी करते हैं और तांत्रिक सिद्धियों को करने की कोशिश करते हैं। तो अगर अनुभव लेना चाहते हैं और
सिद्धियों को नज़दीक से देखना चाहते हैं तो इस दौरान अगर तप करते हैं तो वो सिद्धि आपसे अवश्य ही जुड़ जाती है। चाहे वो अप्सरा हो, योगिनी हो, यक्षिणी हो, भैरवियाँ हो या अन्य प्रकार की दश महाविद्याओं संबंध रखने वाली और भी शक्तियाँ और गुप्त योगिनियाँ इत्यादि, तो इनके माध्यम से आप इस समय साधना करते हैं तो आपको निश्चित रूप से कई गुना अधिक फल मिलता है। इसीलिए इस दौरान आपको साधना करनी चाहिए। ज्योतिष की दृष्टि से देखें तो सूर्य ग्रहण के लगभग 12 घंटे पहले ही सुतक काल लग जाता है, यानी कि सुतक काल 20 जून की रात 10:30 बजे के करीब से ही स्टार्ट हो जाएगा। अगर किसी के जीवन में किसी ग्रह बाधा से वो परेशान है तो उस ग्रह का मंत्र जाप भी इस दौरान कर सकता है, जिससे उसके जीवन में समस्याओं का हल हो सके और किसी ग्रह के कारण अगर कोई समस्याएं आ रही हैं तो वो दूर हो सके। कई बार ये बात की जाती है कि सूर्य ग्रहण के दौरान क्या काम करने चाहिए। कहते हैं सूर्य ग्रहण के दौरान बाहर नहीं निकलना चाहिए, मंदिर भी इस दौरान बंद कर दिए जाते हैं। खाने के दौरान इस वक्त कुछ भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि खाने से जैसे कि शरीर के अंदर जब खाना जाएगा और उपापचय की जो समस्या है वो उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि चीज़ें ऊपर नीचे हो रही हैं, इस वजह से खाना सही से पचता नहीं, इसीलिए मना किया जाता है इस दौरान खाना खाने के लिए। पानी भी इस दौरान नहीं पीना चाहिए। इसी तरह कहा जाता है गर्भवती महिलाओं को भी कोई काम नहीं करना चाहिए और इस वक्त बैठकर उन्हें केवल भजन या पूजन ही करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर भी जीव की एक नई उत्पत्ति हो रही होती है जो आपके शरीर के अंदर होता है। ग्रहण के बाद ये कहा जाता है स्नान करके भगवान विष्णु या महादेव या माँ शक्ति की पूजा करनी चाहिए। ग्रहण के बाद दान वगैरह भी दे सकते हैं, अपने गुरु को दान प्रदान कर सकते हैं। सर्वोत्तम दान गुरुदान कहलाता है। इसके अलावा किसी गरीब को भोजन करवा सकते हैं ग्रहण के बाद। विभिन्न प्रकार की जो शक्तियाँ हैं उनको आप इस वक्त धारण कर सकते हैं साधनाओं के द्वारा। तो ये तो बात हो गई हमारे सूर्य ग्रहण की। अब बात करते हैं 22 जून को यानी अगले ही दिन शुरू होने वाली गुप्त नवरात्रि के बारे में। 22 जून सोमवार से गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है, जो इस बार लगभग 8 दिन की होगी। सोमवार से लेकर सोमवार तक गुप्त नवरात्रि मनाई जाएगी, क्योंकि इस बार पंचमी और षष्ठी तिथि दोनों ही एक ही दिन पड़ रही हैं और ये शुक्रवार का दिन होगा, जिससे षष्ठी तिथि का ये मानते हैं कि 6 हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि नवरात्रि 4 बार आती है साल में, जिसमें से 2 नवरात्रियाँ गुप्त नवरात्रियाँ कहलाती हैं। यह नवरात्रि देव नवरात्रि भी कहलाती है, यानी स्वर्ग में देवता इस नवरात्रि में माँ जगदम्बा की उपासना करते हैं। माघ शुक्ल पक्ष के प्रथम नवरात्रि त्रिपदा से नवमी तक इसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। दूसरी चैत्र महीने में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक होती है, इसे बसंत नवरात्रि कहते हैं। तीसरी जो होती है अषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा से लेकर नवमी तक रहती है, जिसे गुप्त नवरात्रि कहते हैं जो इस वक्त है। और चौथी अश्विन माह में अश्विन शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक रहती है। गुप्त नवरात्रि का क्या महत्व है? गुप्त नवरात्रि का महत्व यह है कि इस दौरान किसी भी प्रकार की तांत्रिक साधनाएं, उपासनाएं, मंत्र तंत्र प्रयोग, सिद्धि के लिए गुप्त प्रयोग, व्यवसाय में वृद्धि के लिए तंत्र प्रयोग, रोजगार की समस्याएं, रोग निवारण और मनोकामनाएं संबंधी विभिन्न प्रकार के जो तंत्र मंत्र और तांत्रिक प्रयोग किए जाते हैं, वह सभी के सभी सफल रहते हैं। इस दौरान माँ जगदम्बा प्रत्यक्ष प्रसन्न रहती हैं, क्योंकि स्वर्ग में उनकी आराधना हो रही होती है। इसी कारण अगर पृथ्वी पर भी कोई व्यक्ति उनकी आराधना और उपासना करता है तो उनकी नज़र अवश्य उस ओर भी जाती है। इसी कारण से इसे गुप्त नवरात्रि कहते हैं, क्योंकि इस दौरान किसी को पता नहीं होता कि यह नवरात्रि है, केवल देवता लोग इस वक्त पूजा करते हैं। लेकिन अब क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हम चीज़ों को जानने लगे हैं, इसी कारण से गुप्त नवरात्रि के महत्व को हमने समझ लिया है। गुप्त नवरात्रि में सिद्धि और विभिन्न प्रकार की तांत्रिक साधनाएँ की जा सकती हैं। इन साधनाओं को करने से सफलता का प्रतिशत अत्यधिक बढ़ जाता है, क्योंकि नवरात्रि के समय में शक्तियां जागृत रहती हैं। दैवी कृपा से इस समय अगर आप साधना करते हो तो सफलता मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब सवाल यही पूछा जाता है कि इस वक्त कौन सी साधनाएं की जाए। माँ को समर्पित है, इसलिए
केवल माँ की आराधना इस वक्त सबसे सर्वोत्तम मानी जाती है। अगर गुरु मंत्र के रूप में आपको माता का कोई मंत्र प्राप्त है या मिला है तो उसी को आप इस वक्त अवश्य ही जाप कीजिए। 9 के 9 दिन करेंगे तो आपको सिद्धि अवश्य मिलेगी। जो लोग अपने गुरु मंत्र का पूर्ण जाप कर चुके हैं और वो रोज करते हैं, वो इस दौरान अगर उनके गुरु से निर्देशित है तो वह विभिन्न प्रकार की तांत्रिक सिद्धियां भी कर सकते हैं। अप्सरा, योगिनी, यक्षिणी, भैरवियां, विभिन्न प्रकार की अन्य ऊर्जाओं की उपासना भी इस वक्त की जा सकती है। जिस सिद्धि को भी आप प्राप्त करना चाहें उसकी उपासना इस दौरान कर सकते हैं, लेकिन वह देवी शक्ति ही होनी चाहिए, यानी स्त्री शक्ति की ही उपासना इस वक्त आपको करनी है। इस वक्त जो विभिन्न प्रकार की साधनाएं आप करेंगे उसमें आपको सफलता मिल जाती है, इसीलिए गुप्त नवरात्रि को विशेष माना जाता है। तो जैसा आपके लिए उपयुक्त हो वैसा कीजिए। अब अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं यही कहूंगा कि जिन लोगों का 9 लाख मंत्र जाप पूर्ण हो चुका है वह लोग इस वक्त तांत्रिक प्रयोगों को कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार की तांत्रिक साधनाएं कर सकते हैं। अगर कौन सी तांत्रिक साधना करनी है इस संबंध में अगर पूछना चाहते हैं तो कोई भी जो 9 दिन में पूर्ण हो सके ऐसी कोई तांत्रिक साधना आप कर सकते हैं, लेकिन यह आज्ञा तभी है जब आपने अपना 9 लाख मंत्र जाप और दशांश श्रवण पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया हो। कई लोग पूछते हैं कि क्या इस वक्त हम लहसुन प्याज का उपयोग कर सकते हैं अथवा नहीं। अगर आप राजसिक पूजा करते हैं तो उपयोग कर सकते हैं, अन्यथा आपको मांस, मदिरा और अन्य प्रकार के तामसिक भोजन का पूरी तरह से त्याग कर देना होता है। लहसुन प्याज जो है वो आपकी राजसिक भोजन में आता है और यह कोई उग्र भोजन नहीं है, लेकिन इसके वजह से अधिकतर लोगों का ब्रह्मचर्य टूट जाता है, इसीलिए इनको भोजन में प्रयोग करने से मना किया जाता है। हालांकि यह वनस्पतियां हैं और यह पूरी तरह से शाकाहारी भोजन ही होता है, क्योंकि कई लोग कई बार यह सवाल पूछते हैं कि लहसुन प्याज का इस्तेमाल करें अथवा नहीं। लहसुन प्याज का इस्तेमाल करने के बारे में ज़्यादातर लोगों के मन में शंका रहती है, क्योंकि वो ये बात नहीं जानते हैं कि जो उनको बताया गया वही वो समझते हैं। असल में लहसुन प्याज गर्म होते हैं और इसकी वजह से आपके अंदर ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, इसीलिए आपके लिए कहा जाता है कि लहसुन प्याज का उपयोग साधना के दौरान ना करें। हालांकि वनस्पति होने के कारण यह शाकाहारी भोजन ही है, इसलिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं अगर आपको अपने अंदर ये क्षमता है कि आप अपने ब्रह्मचर्य को संभाल सकते हैं। ब्रह्मचर्य का ही पालन करते समय कुश के आसन पर इस वक्त चटाई वगैरह पर आपको शयन करना चाहिए। आप जो है निर्जल भी रह सकते हैं, फलाहार उपवास भी रख सकते हैं, अथवा साधारण भोजन जिसे करते हैं उसी तरह करते रह सकते हैं साधना के दौरान। यह आप पर निर्भर है कि आप कैसी साधना कर रहे हैं। अगर कोई तांत्रिक सिद्धि कर रहे हैं तब आपको पूरी तरह से उपवास रखना चाहिए। गुरुजन और माता पिता का आशीर्वाद इस वक्त जरूर लेना चाहिए और गुरु को उचित मात्रा में गुरु दक्षिणा भी प्रदान करनी चाहिए। माता पिता से आशीर्वाद लेकर ही कोई भी साधना शुरू करनी चाहिए। मंत्र जाप किसी अभ्यासी गुरु के सानिध्य में ही करना चाहिए, क्योंकि आप विभिन्न प्रकार के अगर तांत्रिक मंत्र जाप को करना चाहते हैं तो आपको उनसे आज्ञा लेना, साथ ही साथ जिस प्रयोजन के लिए करना चाहते हैं उसके बारे में पूरा ज्ञान होना आवश्यक है, तभी इस तरह का प्रयोग करें, क्योंकि शक्तियों की तीव्रता हर प्रकार से कार्य करती है। शक्तियाँ जैसी आप कर रहे होंगे साधना उसी अनुसार आपको फल देती हैं, और अगर आप तीव्र शक्ति की उपासना कर रहे हैं उसको सिद्ध करना चाहते हैं तो आपके अंदर तीव्रता को सहन करने की सामर्थ्य भी होनी चाहिए, जो साधना का विशेष ज्ञान होने या गुरु के सानिध्य में करने पर ही लाभकारी होती है। तो ये था मेरा आज का विवरण गुप्त नवरात्रि और सूर्य ग्रहण के बारे में। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।